कि परमेश्वर के क्रोध का सामना कोई नहीं कर सकता है। कितना भी इस पृथ्वी पर बड़ा शूरवीर या शूरमा क्यों ना हो, कितना ताकतवर क्यों ना हो, कितना पावरफुल वाला क्यों ना हो, कितना पैसे वाला क्यों ना हो, अरबपति खरबपति हो, कोई भी परमेश्वर के क्रोध के आगे ठहर नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बारे में। प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के 7 खंडों में से हम 4थे खंड में हैं, परमेश्वर का न्याय और 7 तुरियों का परिचय। पिछले संदेश में हमने प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय उसके 15वें पद के दूसरे और अंतिम भाग के विषय में सीखा था। आज हम सीखेंगे प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय उसके 16 पद से लेकर 18 पद तक। आइए पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब 24 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करके ये कहने लगे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ को काम में लाकर राज किया है। जातियों ने क्रोध किया पर तेरा प्रकोप आ पड़ा और वह समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए और तेरे दास भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़े बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाएं। या परमेश्वर के वचन पर जो है प्रभु की आशीष हो। यहां पर जो है हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। सबसे पहले है कि 24 प्राचीनों द्वारा जो है वो क्या हो रही है, वर्शिप हो रही है। जी हाँ, वर्शिप जो है वो की जा रही है कि 24 प्राचीन जो है सिंहासन के सामने बैठ गए हैं, वे अपने अपने सिंहासन से उठकर परमेश्वर के सामने मुंह के बल गिरकर उसको दंडवत कर रहे हैं। मुंह के बल गिरकर दंडवत करने का मतलब जो है उसकी वर्शिप करना, उसकी आराधना करना, उसकी स्तुति, उसकी महिमा कर रहे हैं जो सिंहासन पर बैठा हुआ है। जी हाँ, ये ध्यान रखे, परमेश्वर जो सिंहासन पर बैठा है, मेमना जो सिंहासन पर बैठा है, जो राज करता है, जिसके हाथ में जो है संसार का राज आ गया और जो एक अपने राज को स्थापित करने जा रहा है, उसके आगे वो दंडवत कर रहे हैं, उसकी वर्शिप जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखने की बात है। अब एक चीज और है, वर्शिप करते हुए क्या कह रहे हैं, जो है और जो था। अब यहां पर जो है समझने वाली बात है कि जो है और जो था, जब आप प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 4 और 8 पद पढ़ेंगे तो वहां पर क्या लिखा है, सर्वशक्तिमान प्रभु जो है और जो था और जो आने वाला है। अब आने वाला शब्द भी जुड़ा था, मगर अब यहां पर जो है आने वाले शब्द को जो है वो समाप्त कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि प्रभु जो है 7वीं तुरही के फूंकने के बाद प्रकट हो चुका है और इसलिए अब यहां पर जो प्राचीन उस समय जो कह रहे थे कि जो है जो था और जो आने वाला है, अब क्या कह रहे हैं कि जो है और जो था, यानी जो है सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो था वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर, वो अनादिकाल का परमेश्वर जो अनादिकाल से है, वो जो है वो अब हमारे बीच में है और वो आ चुका है, यानी पृथ्वी पर जो है वो आ चुका है। बड़ा समझने की बात है इन चीजों को। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय और उसके 16वें पद में है, 7वीं तुरही के फूंकने के बाद सिर्फ यहां पर भूतकाल और वर्तमान काल का जो है वो वर्णन किया गया, भविष्य काल का जो है वो वर्णन नहीं किया गया है, क्योंकि वहां पर 3 टेंस है, जो है, वर्तमान, जो था भूतकाल और जो आने वाला है भविष्यकाल। भविष्यकाल प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने के बाद वो भविष्यकाल, जो भविष्यकाल का जो समय है वो समाप्त हो जाता है। अब वर्तमान समय की बात हो रही है और भूतकाल के समय की बात हो रही है कि परमेश्वर जो सृष्टि करता है वो हमारे बीच में जो है वो प्रकट हो चुका है। और यहां पर जो है परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इसलिए वो उसका धन्यवाद कर रहे हैं। क्यों धन्यवाद कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि यहां लिखा है, हमने पिछले संदेश में भी पढ़ा था पहला योना की पत्री 5 अध्याय 19 पद में कि ये सारा संसार जो है उस शैतान के वश में है।
शैतान के अधिकार में, अब उससे जो है ये सारा संसार उसके अधिकार से ले लिया गया है, परमेश्वर ने ले लिया, छीन लिया और अपना अधिकार में लेकर अपने पास रख लिया है कि वो अब उसका न्याय करेगा। इसलिए वो जो है उसको धन्यवाद कर रहे हैं, जो 24 प्राचीन है वो जो है और जो था का इसका दूसरा अर्थ भी है, जो है और जो था इसका दूसरा अर्थ भी हम समझ लें तो बहुत सही रहेगा। भूतकाल से वरन रहने वाला जो जीवित परमेश्वर है आज अर्थात वर्तमान समय में भी राज करता है। जी हाँ, भूतकाल में जो रहने वाला परमेश्वर है, जो जीवित है, जो राज करता है, वो वर्तमान समय में भी राज करता है और आज भी वो राज करता है। इसलिए हमारा भविष्य हो या हमारा वर्तमान हो या हमारा भूतकाल हो, सब परमेश्वर के हाथ में है और वो जो है अब जो है वर्तमान समय निर्धारित करता है कि आज जो है परमेश्वर राज करता है। इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके राज्य में रात नहीं होगी, सूर्य का प्रकाश नहीं होगा, चांद का प्रकाश नहीं होगा। इस बात को समझे, प्रभु जो है वो दिन का परमेश्वर है, उजाले का, और उजाला ही उजाला जो होगा वो रहेगा। कि पुरानी बातें जो हैं वो सब कुछ समाप्त हो जाएंगी जब प्रभु राज करता है, पुरानी बातें सब कुछ समाप्त हो जाएंगी और अब जीवित और सच्चा परमेश्वर जो सृष्टि करता है वो राज हमारे बीच में करता है। दूसरा कुरंतियों 5 अध्याय उसका 17वां पद जो है इस बात को जरा अच्छे से समझे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वे नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई हैं। अब क्या है, जब हम जो परमेश्वर के लोग हैं हमारे जीवन में जो है पुरानी बातें यानी भूतकाल की बातें जो है वो कोई भी चीज जो है उसका कोई भी चिन्ह दिखाई नहीं देगा। वो क्या होगा, वो सब बातें नई हो जाएंगी, हम एक नई सृष्टि बनकर एक नई सृष्टि में प्रवेश करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम एक नई सृष्टि बनकर हम एक नई सृष्टि में, परमेश्वर की नई सृष्टि में जो है प्रवेश करेंगे और इसलिए हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई पुरानी बातें दिखाई नहीं देंगी और ना होंगी। फिर क्या है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब प्रकाशित वाक्य 21:5 पढ़ेंगे, जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा, लिख ले क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य है। अब यहां क्या है, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि तू लिख ले इस बात को लिख ले। ये बात जो है इसका एक एक शब्द पूरा होगा कि मैं सब कुछ नया कर दूंगा। तभी तो कहते हैं ना, जब अंतिम तुरही 7वीं तुरही फूकी जाएगी, पिछले संदेश में हमने देखा था ना प्रकाशित वाक्य 11:15 में कि जब अंतिम तुरही फूकी जाएगी क्षण भर में ही हम लोग बदल जाएंगे, हम लोग स्वर्गदूतों के समान होंगे, हम एक नई सृष्टि, जैसे मैंने अभी कहा ना कि नई सृष्टि बनकर नई परमेश्वर की नई सृष्टि में प्रवेश करेंगे। ये होगा, परमेश्वर सब कुछ नया कर देगा, पुरानी सोच, पुराने विचार, पुरानी चीजें सब कुछ हमारे जीवन से समाप्त हो जाएंगे, उसकी याद भी हमें नहीं आएगी, एक बात की भी याद नहीं होगी, एक बात भी हमारे सोच और विचारों में नहीं होगी। ऐसे होंगे, परमेश्वर का वचन जो इस बात को बता रहा है, ये उसकी आराधना जो है करने वाले लोग जो है वो इस तरीके से होंगे। प्रकाशित वाक्य 11:18 को पढ़ रहे हैं कि जातियों ने क्रोध किया पर तेरा क्रोध जो है वो आपड़ा। इसका अर्थ क्या है, जिन जातियों ने भी परमेश्वर का विरोध करा या परमेश्वर पे क्रोध करा या परमेश्वर के लोगों पर क्या कहते हैं क्रोध किया, तो परमेश्वर का प्रकोप उनके ऊपर टूट पड़ा, परमेश्वर ने उनको छोड़ा नहीं, कहीं का भी नहीं छोड़ा है। क्योंकि यशाया क्या कहता है, सॉरी यिर्मयाह 10 अध्याय उसका 10 पद है, परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही है, उसके प्रकोप से पृथ्वी कांपती है और जाति जाति के लोग उसके क्रोध को सह नहीं सकते हैं। यह सही बात है, यिर्मयाह बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहता है कि परमेश्वर के क्रोध का सामना कोई नहीं कर सकता है, कितना भी इस पृथ्वी पर बड़ा शूरवीर या शूरमा क्यों ना हो, कितना ताकतवर क्यों ना हो, कितना पावरफुल वाला क्यों ना हो, कितना पैसे वाला क्यों ना हो, अरबपति खरबपति हो, कोई भी परमेश्वर के क्रोध के आगे ठहर नहीं सकता है और परमेश्वर का क्रोध का सामना कोई कर भी नहीं सकता है। और यहां स्पष्ट परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए प्रकाशित वाक्य 11:18 जो है वो क्या है, वो कि न्याय का समय जो वो है वो आ पहुंचा है
और ये 24 प्राचीन जो है इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि अब परमेश्वर के न्याय का समय जो है वो आ पहुंचा है। अब क्योंकि परमेश्वर जो है, जो पवित्र लोग हैं, जो उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, उनके लिए तो वो प्रेम भरा अनुग्रह वाला उसका स्वभाव होगा, जो उसके राज्य में वो बड़े प्रेम के साथ, अपने बड़े अनुग्रह के साथ, बड़ी पवित्रता के साथ उनको अपने राज्य में ले जाएगा। परंतु जो उसकी इच्छा को पे नहीं चलते हैं और जो उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं, उनके ऊपर जो है वो परमेश्वर का क्रोध यानी न्याय का समय आ पहुंचा, दंड देने का समय जो है वो आ पहुंचा है। अब न्याय जो है वो किसके हाथ में है, ध्यान दीजिएगा। न्याय की जब हम न्याय की बात कर रहे हैं तो न्याय भी देख ले किसके हाथ में है। यूहन्ना 5 उसका 22 पद, पिता किसी का न्याय नहीं करता परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। अब यहां एक बात ध्यान करें कि न्याय जो है वो किसके हाथ में, पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। अब जिन जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का तमाशा बनाया, उसका मजाक बनाया, उसकी खिल्ली उड़ाई, उसके वचन का मजाक बनाया, उसके वचन को इग्नोर करा, जिन्होंने उसके वचन के अनुसार अपना जीवन को नहीं जिया है, उन सबको जो है प्रभु दंड देगा, क्योंकि न्याय प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। और इसके साथ में एक बात और होगी कि जो भविष्यवक्ता रहे, जो परमेश्वर के पवित्र लोग रहे, परमेश्वर के विश्वासी लोग रहे, जिनको सताया गया है, जिनको मारा पीटा गया है, जिनको ताड़नाएं दी गई हैं, प्रताड़ित किया गया है और उनको जान से भी मार डाला गया, बेमतलब में जेल में डाल दिया गया है, उन सबका बदला जो है प्रभु यीशु मसीह लेगा। प्रभु यीशु मसीह जो है बदला लेने के लिए आ रहा है, क्योंकि न्याय जो है वही करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जब आप इब्रानियों 10 और उसका 30 पद पढ़ेंगे, क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा, और फिर यह भी कहा कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। और यहां ध्यान करिएगा, यहां इब्रानियों से पढ़ा, व्यवस्था विवरण में क्या लिखा, 32 के 35 पद में, पलटा लेना और बदला देना मेरा ही काम है, ये उनके पांव को फिसलने के समय प्रकट होगा, क्योंकि विपत्ति का दिन निकट है और जो दुख उन पर पड़ने वाले हैं वे शीघ्र आ रहे हैं। अब यहां परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, पलटा लेना मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। अब पलटा लेने के लिए आ रहा है, जिन्होंने दुख दिए हैं और जिन्होंने दूसरों को परेशान किया है, और खास तौर से प्रभु के लोगों को, तो प्रभु कह रहा है कि मैं जो हूं उन अपने लोगों का बदला लेने के लिए आ रहा हूं, क्योंकि न्याय प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। और लिखा है विपत्ति का जो दिन है वो बिल्कुल निकट है और उन पर जो है उन लोगों पर दुख पड़ने वाला है, सबके ऊपर। परमेश्वर का वचन ये कह रहा कि सबके ऊपर जो है वो दुख पड़ने वाला है। इसलिए जिन्होंने भी बेमतलब में किसी को सताया है, मारा पीटा, कुछ भी करा है, प्रभु यीशु मसीह के न्याय के लिए खड़े, उनका उसका न्याय का सामना करने के लिए खड़े हो जाए, क्योंकि दोषी पाए गए तो दंड भयंकर मिलेगा और प्रभु छोड़ेगा किसी को नहीं। यह परमेश्वर का वचन जो है यह बता रहा है। फिर क्या लिखा है, पृथ्वी के बिगाड़ने वाले जो हैं वो नष्ट किए जाएंगे। यहां देखिए दो बातें हैं, एक तो जिन्होंने पाप और बुराई इतनी पैदा कर दी है इस पृथ्वी के ऊपर, इतनी बुराई, इतनी यानी पूरी पृथ्वी को पाप और बुराई से, अधर्म के कामों से जो है ढांप दिया है, बिगाड़ दी है पृथ्वी जो है, उनसे जो है प्रभु जो है अपना प्रकोप जो है उनके ऊपर उंडेल लेगा। प्रभु यीशु मसीह उनको भयंकर से भयंकर जो है वो दंड देगा। और इसका जो दूसरा अर्थ है कि पृथ्वी के बिगाड़ने वालों का अर्थ है न्याय के बिगाड़ने वाले। जी हाँ, पृथ्वी के बिगाड़ने का मतलब इस पृथ्वी के ऊपर से न्याय जो है वो बिगड़ चुका। जब अधर्म आ गया, जब बुराइयां इतनी हो गई हैं, तो न्याय कहां रहा, न्याय देखने को नहीं मिलता है। और जो न्याय के विरोध में काम करते हैं, जो न्याय को बिगाड़ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह बताएगा उन्हें कि न्याय होता क्या है, फिर वो उनको सिखाएगा कि न्याय क्या होता, वो फिर अपना न्याय दिखाएगा कि न्याय सही में होता क्या है। और न्याय के न्याय में अगर दोषी ठहरे गए तो उसका दंड क्या होता है। ये जो है पृथ्वी के बिगाड़ने वाले इन चीजों को समझ जाए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, नीति वचन 17:23 में, दुष्ट जन न्याय बिगाड़ने के लिए अपनी घाट से घूस निकालता है। बहुत से लोग जो है न्याय बिगाड़ने के, न्याय जो है उनके पक्ष में हो जाए, हालांकि वो गलत हैं,
गलत होने के बाद भी चाहते हैं कि न्याय उनके पक्ष में हो और वो घूस देते हैं। यहां परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम कितनी भी घूस दे लो, तुम अभी बच सकते हो, परंतु उस न्याय से जो न्याय प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होने जा रहा है, उस न्याय से कैसे बचेंगे, उस न्याय के दंड से कैसे बचेंगे? वो तो घूस भी नहीं लेगा, कितनी घूस दोगे उसको? घूस देने की कोई कोशिश करेगा? वो घूस लेने वाला परमेश्वर नहीं है। वो ये नहीं है कि कुछ तुमने कह दिया या कुछ दे दिया तो वो प्रसन्न हो गया और तुम्हें छोड़ दिया। नहीं, किसी को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो पवित्र और जीवित और सच्चा परमेश्वर है और उसका न्याय सच्चा और सटीक है। कोई उसके न्याय का जो है सामना नहीं कर सकता है, अगर दोषी है तो, जरा सा भी दोष पाया गया है। तो याद रखें मेरे प्यारे भाइयों बहनों कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। एक पद और पढ़ के समाप्त करूंगा। आमोस 5:7 में लिखा है, हे न्याय के बिगाड़ने वालों और धर्म को मिट्टी में मिलाने वालों। क्या रहे? क्योंकि एक सच्चा न्याय जो है वो परमेश्वर का जो प्रगटीकरण है। देखिए, मैं आपको कई बार एक बात बोल चुका हूं, जब आप न्याय की बात करते हैं, जब आप एक सटीक न्याय करते हैं, जब सही माने में एक सच्चा और सही न्याय होता है या प्रकट होता है, तो वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति प्रकट होती है, वहां पर परमेश्वर की पवित्रता देखने को मिलती है, वहां पर परमेश्वर का इंसाफ देखने को मिलता है। ये स्वर्गीय न्याय से उसकी कंपेयरिंग होती है, जब इस पृथ्वी के ऊपर कहीं पर सच्चा और सही न्याय किसी को मिलता है या किसी के लिए किया जाता है, वो जो है परमेश्वर का प्रगटीकरण होता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम ये सातवीं तुरही फूकने का मतलब क्या है कि न्याय का निश्चित होना, न्याय ठहर चुका है और न्याय प्रभु यीशु मसीह के हाथ में आ चुका है और न्याय करने के लिए वो शीघ्र आ रहा है। यदि हम उसके न्याय से बचना चाहते हैं तो बुराई को छोड़कर भलाई करना सीखें और परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को सौंपें, ताकि हम उस दंड से बच सकें जो प्रभु यीशु मसीह देने आ रहा है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।